बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातब करके कहा, कोई शख्स मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करवा सकता हूँ। सुल्तान ने शरायत पूछी तो अर्ज करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। इस शख्स को चिल्ला के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने इस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हजूर कुछ वजायफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मजीद लगेंगे। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद के दरबार में इस शख्स को दोबारा पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत कहा मैं गुनाहगार और कहा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सजा क्या है? वजीर ने कहा, सर इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे, कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ। इसने कहा, सर इस शख्स ने बादशाह के साथ फ्रॉड किया है, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील होके मरे, इसे मरने में कुछ वक़्त तो लगे। दरबार में बैठे इसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अय्याज से पूछा, तुम क्या कहते हो? अय्याज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके जूर से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अय्याज की ये बात सुनकर महफिल में बैठा वही नौरानी चेहरे वाला बाबा कहने लगा, अय्याज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बाबा जी को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा और इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा जी कहने लगा, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा इसका गला काटा जाए वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना, इसने अपना खानदानी रंग दिखाया, या गलती इसकी नहीं आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। दूसरा जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, इसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो इसने अपने खानदान का तारफ करवाया, आपकी गलती है कि ऐसे शख्स को वजारत दी, जहाँ ऐसे लोग वजीर हों वहाँ लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा अय्याज है, जो फैसला इसने किया तो सुल्तान महमूद सुनो, अय्याज सैयद ज्यादा है, सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़िबा करवा देता है मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अय्याज को मुखातब करके कहता है, अय्याज तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अय्याज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म ना था कि अय्याज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला, आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। ऐ बादशाह सलामत, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं, यही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।